जहां छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव की मतगणना चल रही है, जिसके नतीजे कुछ देर बाद सामने आ जाएंगे। और अभी तक के रुझान ये है कि जिसमें दोनों जगह सत्तारूढ़ दल आगे चल रहा है। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा सीट पर कांग्रेस और यूपी के हमीरपुर में बीजेपी आगे चल रही है। साथ ही आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के निधन के बाद चुनाव हुए थे। मंडावी के लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों ने हत्या कर दी थी और बीजेपी ने उनकी पत्नी और ओजस्वी मंडावी को टिकट दिया था। तो कांग्रेस से छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा उम्मीदवार थी। महेंद्र कर्मा की झीरम घाटी के नक्सली हमले में जान चली गई थी। वहीं हमीरपुर में विधायक अशोक चंदेल के सामूहिक नरसंहार मामले में जेल जाने के बाद चुनाव हो रहे हैं। यहां बीजेपी युवराज सिंह, बीएसपी से नौशाद अली, सपा से डॉक्टर मनोज प्रजापति, कांग्रेस से हरदीपक निषाद और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जमाल आलम मंसूरी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें ताजा रुझान आपको बता रहे हैं। दरअसल दंतेवाड़ा से ताजा अपडेट, कांग्रेस की बढ़त बरकरार है। अभी 15वें चरण के बाद कांग्रेस 8,833 वोटों से आगे चल रही है। तो 15वें चरण में भी कांग्रेस आगे चल रही है और जो बीजेपी के आंकड़े बताए जा रहे हैं वो अब भी काफी हद तक पीछे हैं। तो कांग्रेस के शुरुआती दौर से ही बढ़त बनाए हुए हैं। पहले 9,000 का अंतर सामने आया था, फिर 7,000 का, और ताजा अपडेट के अनुसार 8,833 वोटों का अंतर बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ पंकज सिंह भदौरिया फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। स्वरा स्वता पंकज, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है? दंतेवाड़ा में इस समय कांग्रेस ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। 10,000 वोटों की लीड लगभग बन गई है। 16 राउंड खत्म हो गए हैं, मार्च में 4 राउंड की गिनती बची है। कांग्रेस के खेमे में जश्न का भी माहौल है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी पहुंचे हुए हैं दंतेवाड़ा में, तमाम उनके दिग्गज विधायक पहुंचे हुए हैं जो इस जीत के भागीदार हैं, जिन्होंने चुनाव में रणनीति बना करके काम किया था। देवती कर्मा जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी, वो मिठाइयां बांट करके लोगों के बीच में खुशी मनाने के लिए पहुंच चुकी हुई है। ढोल नगाड़े आतिशबाजी चारों तरफ देखने को मिल रही है और पूरा जश्न का माहौल है कांग्रेस खेमे में। वहीं बात करें तो दूसरे खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी बीजेपी का कोई लीडर या फिर अन्य पार्टियों का कोई भी लीडर नजर नहीं आ रहा है जी। हालांकि पंकज अभी 4 राउंड बाकी है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं पहले ही इस बात को मान लिया जाए कि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि करना वो अभी बाकी है। लेकिन फिर भी प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया होगा, तो बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है नतीजों को देखते हुए? बिल्कुल, मैं बता दूं कि कांग्रेस ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ चुकी है, इसलिए फाइनल हो गया है क्योंकि यहाँ पर महज 1,14,000 वोट पड़े थे और 85,000 मतों की गिनती हो चुकी है। शेष जो बचे मत हैं उस पर यदि बीजेपी को पूरे के पूरे वोट दे दिए जाते हैं तो भी वो जीत का वो हिस्सा नहीं ले पाएगी। और साथ में जो बीजेपी के जितने भी लीडर हैं, तमाम जिला स्तर के, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों या मंडल अध्यक्ष हों, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के ही पूरे लीडर, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के ही सारे लोग बचे हुए हैं जो जोश खरोश के साथ पूरे जिले में बाइक रैली निकाल रहे हैं, झंडे बंधे हुए हैं उनके, और देवती कर्मा जिंदाबाद, महेंद्र कर्मा अमर रहे के चारों नारे लग रहे हैं, भूपेश बघेल जिंदाबाद जैसे चारों तरफ नारे गूंज रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज। वैसे हमको मल्लनाथ ने ट्वीट करके